द ग्रैंड पैलेस बनाए अपने खूबसूरत व यादगार पलों को और भी खास। द ग्रैंड पैलेस के परिणय बंधन के साथ साईं वाटिका के पास भोपाल रोड का घर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों के अनाथ हुए बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी लेने का निर्णय लिया है। सीएम ने कहा कि संक्रमण में पालकों को खोने वाले बच्चों और आजीविका का सहारा खोने वाले परिवारों को 5,000 रुपए पेंशन, निशुल्क राशन, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ऐसी सुविधाएं देने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। सागर के छत्रसाल नगर निवासी 16 साल की वैष्णवी सोनी की सफल सर्जरी हो गई है। वो किडनी की गंभीर बीमारी पाइलोनेफ्राइटिस से पीड़ित थी। सोशल मीडिया के माध्यम से विधायक शैलेंद्र जैन को वैष्णवी की बीमारी की जानकारी लगी थी। वो उसके घर गए, फिर शासन अस्पताल और खुद के खर्चे पर सर्जरी करवाई है। छिंदवाड़ा में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए शादियों पर पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं। एक शादी में पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम पर बारातियों ने हमला कर दिया। पथराव में टीआई समेत 4 लोग घायल हो गए हैं। अफसर जान बचाकर मौके से भाग निकले, बाद में फोर्स पहुंची। इंदौर के आजाद नगर थाने के टीआई रहे मनीष डाबर द्वारा आरोपी को 72 घंटे तक बंद कर पीटने के मामले में मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। टीआई पर आरोप है उसने पीड़ित से 1,00,000 रुपए की मांग की। मारपीट की यही नहीं, उसके पैरों के नाखून तक निकाल लिए। टीआई को लाइन अटैच कर दिया गया है। रीवा जिले की जवा तहसील के बसरेही गांव से आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। बताया जाता है कि अचानक तेज बारिश होने से बारिश से बचने के लिए आम के पेड़ के नीचे 6 से 7 की संख्या में लोग एक पेड़ के नीचे खड़े थे, जिन पर बिजली गिर गई। बैतूल जिले के मुद्दाई थाना क्षेत्र में गुरुवार को टैंकर पलटने से ड्राइवर पिता और उसके 13 साल के बेटे की मौत हो गई। हादसा इतना दर्दनाक था कि दोनों के शव गाड़ी में फंसे रहे। 1.5 घंटे बाद क्रेन की मदद से टैंकर को सीधा कर दोनों के शव निकाले गए, जिसकी शिनाख्त नागदा उज्जैन निवासी प्रभु परमार के रूप में हुई है। गुना शहर की सोनी कॉलोनी स्थित एक जैन परिवार में पिता पुत्र की एक साथ 2 अर्थियां उठी। दरअसल सोनी कॉलोनी निवासी शिखर चंद जैन रात में ही भोपाल से कोविड का इलाज कराकर गुना पहुंचे थे, लेकिन सुबह वो नहीं रहे। इसी दौरान अपने पिता की मौत का सदमा उनका पुत्र कुणाल जैन सह ना सका और उसकी भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। ग्वालियर में बाथरूम में नहा रही छात्रा का पड़ोसी ने चुपके से वीडियो बना लिया। इसके बाद आरोपियों ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर छात्रा से दुष्कर्म किया। वारदात के बाद आरोपी छात्रा को वीडियो वायरल करने की धमकी देकर शोषण करने लगा। जब छात्रा शोषण से तंग आ गई तो सीधे थाने पहुंची और मामले की शिकायत की। कटनी जिले के बड़वारा थाना क्षेत्र में शराब की अवैध परिवहन रोकने के लिए पुलिस द्वारा की जा रही घेराबंदी के बावजूद एक आरोपी फरार होने में सफल हो गया। हालांकि पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ लिया है और आरोपी की निशानदेही पर उसके घर से 48 पेटी शराब भी बरामद कर ली है। जब्त की गई शराब की कीमत तकरीबन 2,50,000 रुपए बताई जा रही है। रीवा के सिरमौर थाना क्षेत्र में मरेला गांव में अवैध संबंधों के शक में 3 लोगों ने युवक को पहले घर में बंधक बनाया, इसके बाद पीट पीट कर हत्या कर दी। आरोपियों ने दहशत फैलाने के लिए शव को सड़क पर फेंक दिया। इस मामले में पुलिस ने महिला के पति समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। होटल द ग्रैंड पैलेस बनाए अपने खूबसूरत व यादगार पलों को और भी खास। द ग्रैंड पैलेस के परिणय बंधन के साथ शादी समारोह व पार्टियों को खास बनाने के लिए मनमोहक साज सज्जा के साथ
स्वादिष्ट खाने का जायका लीजिए हमारे प्योर वेज केटरिंग के साथ। शॉल पार्किंग एरिया, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस। हमारा पता है होटल द ग्रैंड पैलेस, साईं वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर, मध्य प्रदेश।